लोक प्रसार चैनल देख रहे सारे भाण भैया ने मंगत रहे बाकी राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों फिलहाल खड़े महामाया धाम मुंडाल में महाकाली के दरबार में। देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार, महाकाली का दरबार सजा हुआ है यहाँ पर और भगतनी बबली यहाँ पर लोगों के संकट दुख हरती है। और भाई पूछा जो सच्चाई मैं देखता हूँ लोगों से पूछता हूँ तो मैं कह सकता हूँ जो बताती हैं सच बताती हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सच बताती हैं जो भी बताती हैं और जो बता देती वो सत्य होता है, ऐसा लोगों का मानना है भक्तों का मानना है। इसलिए हम वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं जो सच्चे धाम होते हैं। पाखंडी गांव के 20-20 बैठे हैं भाई, दो दो ईंट खड़ी करके, और लोगों को खूब लूटा जा रहा है, भोले भाले लोग खूब ठगे जा रहे हैं, क्योंकि दुख दर्द तकलीफ में होता है उसको जहाँ कहीं कहता है वहीं जाना पड़ता है। वो सोचता है कि चलो वहाँ देखते हैं वहीं चले जाएँ शायद वहाँ ठीक हो जाएँ, लेकिन श्रद्धा और विश्वास से सच्चे धाम में जाओगे आप तो अवश्य आपका कार्य सफल होगा, ऐसा वेद पुराण भी कह रहे हैं। आस्था सबसे बड़ी चीज़ है और लोग भी कह रहे हैं, आजकल के भक्त भी कह रहे हैं, हर कोई संत फकीर कह रहा है। आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं एक बार, माताएं बहन और भाई बैठे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको सभी से आपकी मुलाकात कराऊँगा, सभी से पूछूँगा, रूब रूब आपको लाइव दिखाऊँगा कि यहाँ पर संकट या कुछ व्याधियाँ को बीमारी जो भी हैं कटती हैं या नहीं कटती हैं, झूठ है या सच है। उड़ते शुरुआत कर दें हम, आगे आगे बैठी हैं, क्यों बैठी हैं पहले तो दनाने से दनाना। अच्छा आप यहाँ कब से आ रहे हैं? बैठ के बना ले श्यामी में थोड़ा दिखा दे, हमारी चोटी चोटी थोड़ी गिल्लो हो जाए, गिल्लो इन आ जाए, थोड़ी इन आ जाए, नहीं ले बस पूरे बैठ जाए गोरी के दौरे। डेढ़ साल हो गया की तकलीफ से भाई। ओपरी थी जी, ओपरी। ओपरी की घर की कौन थी? बार की थी, दिखा कर दी कि मैं भाई हंसने की बात नहीं, सभी चीज होती है धरती पे, लेकिन मैं थोड़ा यूं है कि जो मरीज होता है कोई भी होता तकलीफ में होता उसको चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए, ये मेरी कोशिश होती है, और नहीं मजाक नहीं उड़ा जाता किसी चीज का, क्योंकि यहाँ दुखी लोग आते हैं उनके चेहरे पे एक सेकंड के लिए मुस्कुराहट आ जाए तो मेरा मैं समझाऊँ सफल है उनके पास बैठना। तो कितने साल से थी? कई साल तक थी जी, आने आने में कट गई। अच्छा कई साल से थी। हाँ। तो कि मैं दिखा करता कि वैसे वैसे वो नगेरे रखा दिखाट में, कदे बुखार कदे किम कदे किम, तो बीमारी थी अब ओपरी की थी? ना ओपरी थी, बुखार चढ़ जाती बोली, बुखार तो बीमारी हो मुँह बोली है जी, मुँह बोली के बोली आमू बोल की के बोली पुरुषों ने बताई गई बता दी। अच्छा हमारे घर की ये थी, घर की थी, घर के से सके मार लेंगे इसकी मत से मार लेंगे तो भंगड़ मार लोग शतद घर के ये बाड़ाने में कट गई हैं, कट रही कट गई हम तो खुशी आ। अच्छा बिल्कुल रड़ी होगी। अच्छा नहीं बता जो ऊपरी पराई है उर कै एक बराण में कट गई थी तेरी, मतलब ये बता। बालाजी गई थी तीन बार, तीसरी बार कट गई। अच्छा माताजी लेके गई थी आपको, तीसरी बार में चली गई थी, चली गई। अब स्वस्थ हैं आप? हाँ। तो अब तो खुशी खुशी आओ वैसे। हाँ। अच्छा यूं तो जुकर माँ का ही असर है। अच्छा माँ का असर है, माँ का असर कदे वाओ परी फिर चूरमा खा के आ गई हो ना। अच्छा माता आने लगी। हाँ। अच्छा देखिए भाई बुरा मत मानना, माँ माँ किसी में नहीं आती, हनुमान बालाजी ये इनके दूत होते हैं, इनकी शक्तियाँ होती हैं और ये खुद तो अपरंपार माया। यदि मूर्ति इतनी सी भी खंडित हो जाती है, नाखून जितनी भी झड़ जाती है वो भी आप पवित्र हो जाती है, अपना तो सारा शरीर खंडित सा अपन था उकड़ थी। हाँ तो इसलिए जी आप कहाँ से हैं? हम कन्नौर से हैं जी। कन्नौर से? हाँ जी। पहली बार आए हो? नहीं जी हम तो कई बार आए। कई बार किस तरह? आठ नौ महीने। अच्छा। आठ नौ महीने, आठ नौ महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा इस साइड से दिखा दे, आठ नौ महीने हो गए। क्या तकलीफ आपके? बस जी घर के काम चल रहा था, बढ़िया काम हो गया, घर का काम चल रहा था, बढ़िया काम हो गया। हाँ जी घर नहीं बस थोड़ी नई चल रही थी। अच्छा कपड़े घर की घनी समस्या रह लो गई? क्या समस्या थी जी? तेरे बहू की थी किसकी डाले? ना ना बहू की को ना थी जी, मारत मार तो नई कपड़े कुपड़े जड़ा करते अपने आप। हाँ अपने आप, अपने आप आग लग जा कर दी। हाँ जी। अच्छा हाँ। संदूक में धरया कभी? बेड पे थे जी, कटिया पाया करता, फिर माँ ने कुछ नहीं कही मैं ही हूँ जो कुछ है कुछ नहीं बताया। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं होता ऐसा? हाँ जी मेरा पैर में दर्द रहा करता सारा शरीर में, ना दवाई असर कराया करती माँ की कृपा जी। अच्छा पैर में दर्द रहा करता दवाई असर नहीं कराया करती, वो भी ठीक हो गया? हो गया बस माँ की कृपा जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से जी? कानर से, पहली बार आई। पहली बार ये लाई होगी? और सनु बताया दूसरिया ले आओ, इनके पीछे मिले गाड़ी में जी सेवा से सेवा जी कदे दिन दे हो भगतणी नु कंदी ओले भाई एक ले आओगी तो 500 की तने दूंगी सेवा जी। या तो अच्छा मेरा बढ़िया काम होया तो मैंने इनका सब बिल्कुल सच्चाई ये बताना चाहिए। अपना दुख कटता है, अपनी बीमारी किसी डॉक्टर द्वारा कटे तो बताना चाहिए भाई या बीमारी मेरी उस डॉक्टर तक कटी थी। आपकी वीडियो तो गैर नहीं बतानी चाहिए। आप कहाँ से जी? जींद से। जींद से दिखाई थोड़ी, पहली बार आए हो? दूसरी बार आई। दूसरी बार? हाँ। की समस्या है? देखो भी माता करेगी वो लड़के की शादी की थी यार, मैं भी ना मैं 15 दिन रही थी आंधी को थाना में दरखास्त रखी है कि भाई मत आंधी है नहीं रंधी मैं तो फैसला चाहिए। हाँ बस इसलिए आऊँ मैं तो। जो भी मतलब फैसला की अर्जी से गान की सेवा लगा रखी है मैंने तो लगा रखी कि मैं तो बसाना चाहूँ मेरी बहू ने। अच्छा बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात होगा। अच्छा आप जी कहाँ से? जींद से हैं जी। जींद से इनके साथ ही? हाँ। आप पहले भी आए इनके साथ ही? हाँ मंगलवार ने आए थे जी। अच्छा। उदन भी आ रहे थे आप? अच्छा अच्छा। मेरे लड़का दारू पिया करे। दारू पिया करता? दारू पी हुआ है। ठीक हो गया, हो जाएगी समस्या सारी। देखो के है आजकल की बहू सारी एक शीशा पर ही बैठी हुई सी है, ये अपनी बेटी बहू बने। देखो समझने की सोचने की बात है, हमारी बेटियां हैं वो भी ऐसी हैं। संस्कार की बात है भाई, हम अच्छे संस्कार बेटियां धमका देंगे तो बसा लेंगी। ये छत्ती का लाले है ना माँ, हाँ हमारे सुसरी रान लगा कर दे इतने माए बस बैठा गोड़ कर दे अगला घर का। तो इसलिए बेटियां हैं, तम भी किसी की बेटी थी, बाबू ने न्यू कोई दीजा बेटी इव तू डोली में जा सतरी घर तर थी लिखड़नी चाहिए न्यू कहा कर दे पलड़े अर्थी लिखड़नी चाहिए। लेकिन आजकल की पढ़ी लिखियाँ के पहली सबकी मिले करोड़ा हो, मैं तो साफ कह करूँ उनके संस्कार खत्म हुए होते हैं। संस्कार अच्छे रहेंगे तो वो बेटी घर बसाएगी। आपका ऐसी बात नहीं, मेरे बसाएगी, अवश्य से बसाएगी। माता रानी करेगी कृपा, सब कुछ भली करेगी भगवान आपका। आप कहाँ से माता जी? जींद से। जींद से पहले आपके साथ ही? अच्छा चलो हो जाएगी। माँ के दरबार में सब निर्णय होता है भाई, बिल्कुल माता जो करती है बहुत अच्छा करती है। आप कहाँ से हैं सर? दनानंद। दनानंद अच्छा पहली बार आया? नवरी में। अच्छा इनके माँ है? हाँ क्यों बुलाओ मेरे यारे दो बार और कह दे जच्चा तो गुनी भाई तेरी माँ है या लेकिन यार मेरी ख्याल तो दरबार लगाने सारा जगत की माँ बनेगी। अच्छा आप कहाँ से हैं जी? नहीं बोलते आप, बस आप बता पूछ। चलो और खेलना आ जा भाई। जीनते जीनते कैक बरा ली कई बार, तीन चार महीने हो गए। तीन चार महीने हो गए के बात भाई, की समस्या है? नुकसान हो करता घर में, वो भी ठीक है। नुकसान हो करता घर में? हाँ। अच्छा। साधन भी कुंचा लिया कर दे, टूट फूट ज्यादा हो कर दे। साधन रखो? हाँ। की ट्रैक्टर है। अच्छा वो उनमें भी नुकसान हो करता? हाँ। अच्छा ये ठीक है, अब नहीं होता? ठीक हो गया सारा, सारी समस्या खत्म हो गई? हाँ। कितने दिन में होगी थी लगभग? वो मेरे तीन चार फिर बालाजी गए थे हम। अच्छा उसके बाद को नहीं? उसके बाद नहीं हुआ। तो यानी कि जो माता जी बालाजी ले जाती है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है और जी लगा के वो लगा के आती हैं, तो वहाँ जाने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं? ठीक हो गए। बहुत अच्छा। आप जी? मोठता जी। हैं? मोठता जी। मोठते हैं? हाँ नहीं। मोठ लुवारी? हाँ नहीं। अच्छा पहली बार आए हो? दूसरी बार। दूसरी बार होए की में समस्या हल? इब्बे तो कौन है? अच्छा दूसरी बार में कौन है जी? आप जी कहाँ से हैं? हिसार से। तो आप कितनी बार आ लिए? दो साल हो गए। दो साल हो गए तो कि मैं बनी है की बात? हाँ बन। थोड़ा सा और नुम होगी बता दो, बताओ बताओ थोड़ा और मुँह कर लो, फेर लो टट्टी वाला भरना। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा हाँ जी। अच्छा अच्छा क्या समस्या थी आप? कुछ नहीं, जो भी काम क्या करते बिजनेस वगैरह छेड़ते उसमें नुकसान हो जाया करता। अच्छा तो फिर जिंदगी कहाँ चाहती होगी आपके, थोड़ी और हो जाए। हाँ जी अब सही अच्छी तरह चल रहा है काम? बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। कितने दिन हो गए? कितनी बार आने से यहाँ समस्या हल होगी? पहले बार मैं हो गया था काम तो। पहली बार में? अच्छा हाँ। क्या बात है, तो पूर्ण विश्वास है आपको यहाँ यही आने से हुआ? हाँ। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी धन्यवाद, आ जाओ भाई और बात करवाएंगे। हाँ भाई आप पहली बार आए हो? आप? मैं तो काफी बार आ चुकी हूँ। काफी बार पहले बात हुई थी आपसे? हाँ जी दो बार हो चुकी बात। अच्छा अच्छा पहले हो चुकी है आपकी। आप जी कहाँ से हैं जी? कलानौर से। कलानौर से क्या नाम है? रेनू। रेनू क्या समस्या है आपको? समस्या तो बस बस यही थोड़ी बहुत घर की। घर की? हाँ जी। क्या घर की समस्या तो सब कह रहे हुआ है, और भी कोई समस्या थी? नहीं जी। तो यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं आप?
हम 3 साल से आ रहे हैं। 3 साल से घर की समस्या खत्म को नहीं हुई? 3 साल खत्म होगी जी। खत्म होगी तो फिर क्यों चक्कर काटे बाड़ा लाला नारी करते? कोई नहीं, फिर दर्शन कर जावा माता के। माता के दर्शन फोटो ले जाए घरी घरी जाया करे? कोई नहीं, पुराण में एक थोड़ा अलग वो संतुष्टि है। अच्छा, संतुष्टि होती है यहाँ आने से, संतुष्टि मिलती। चलो समस्याएं ठीक हो गई आपकी। ये बेटी है आपकी? हाँ बेटा, आप भी दर्शन करना हो तो समस्या है? हाँ जी, दर्शन करने आते। क्या मांगे अगर है? पहले तो पेपर थे मेरी, रिया आ गई थी। हाँ, मेरे मेरा बालक तीनों का अगर मैंने पास करवाए दिए, फर्स्ट ले आई होगी थी मेरी। हैं? होगी थी, होगी थी। और अब की बार या? हाँ, अब है, अभी एमएससी कर रही हूँ मैं। एमएससी कर रही है? लागे तो टेक से तू एमएससी वाली लाग दी तो लागे तो नहीं हो जाना छठी सातवीं पढ़ा है एमएससी करे? अच्छा, तो एमएससी ने कहा शादी भाई फिर तू? पहले बीएससी के पेपर दिए थे, वो हो गए थे। अच्छा, उरत अरदास लगाई भाई मेरे पेपर सही हो जाए? हाँ, क्लियर हो गए। पढ़ी को नहीं? पढ़ी थी। तो फिर माता ने कह तू तेरी पढ़ाई तो ही सच बता? नहीं, पढ़ी भी थी। और तो सारे बालका नु सिखाण लाई भाई माता कर जिला जो पढ़ने की जरूरत कोनी। पहले पढ़ के मैंने पेपर दिए थे, फिर री आ गई थी मेरी। अच्छा। फिर यहाँ पे आने के बाद क्लियर हो गई थी। क्लियर हो? अच्छा, चलो देखो बेटा, भगवान में आस्था अलग चीज है, पढ़ाई अपना ज्ञान अर्जित करना, शिक्षा लेना, कोई टेक्निकल चीज सीखनी, वो अलग चीज है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई करो, मेहनत करो, फल देना भगवान का काम है, वो अच्छा दे इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। कभी ये मत सोचना कि मैंने माता कर्जी लगा दी, रात रस होगी, तड़की पेपर दिया होगी ना। पढ़ो, पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो, अच्छा अच्छा, अच्छा। आप जी? मैं तो बकलाना था। मैं तो जी गणेश साल की आऊ हूँ, अरे बीच में टाल कर दी थी, फिर सो रख दिक्कत हो गई थी जी भाई इसका। अच्छा। ये बीमार रहा था, दवाई हो गया फिर? हाँ, दवाई कौन लग थी इसका? अच्छा, इसकी दवाई नहीं लगी थी? क्या तकलीफ बताई थी डॉक्टर ने इसकी? कदे तो प्लेट कम बताए थे। अच्छा। कदे इसका लिकाड़ा लिपट गया था। अच्छा। और कोई ये समस्या थी? कुया रिपोर्ट नॉर्मल आ गया थी, कुया की में आ गया था पूरा, पाछा इसका आराम हो गया जब। अच्छा, ठीक है। हाँ, तीसरी बार लेके आई हूँ, 5 फेरी बता रखी माता ने। तो दो फेरिया में ठीक हो गया था? दूसरी फेरी में इसका आराम हो गया था, दवाई बंद करा की। अच्छा, पहली फेरी में हो गया आराम? अच्छा, शुरू वाला झाड़ा था ही। बहुत बढ़िया भाई, तो इनकी में खाओ पियो है कि जान आने लगी किसी में? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, धन्यवाद। अब इतर ले तो हम ही बताओगे कि मैं सारे नए आवड़े हो। अच्छा, तो देखिए, फिलहाल आप सभी को पता है कि मुंडाल धाम में जो समस्याएं हल होती हैं, लोगों से आपकी बात करवाई। यहाँ पर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को दरबार लगता है, और वही नंबर लगवाना पड़ता है। फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं धाम के, फौजी धर्मवीर के, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर के हिसाब से ही पूछा देखी जाती है या झाड़ा लगाया जाता है, जो भी है दरबार लगता है। और मंगलवार, वीरवार और शनिवार को तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, और वीडियो को थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि और किसी व्यथित, दुखी, बीमार या कोई समस्याओं से ग्रसित है, उन तक ये वीडियो पहुंचे आपके एक इशारे से, तो वो आपका भला मानेगा। सबसे बड़ा पुण्य का काम है अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं। आप कोई फूड गाना या फूड डांस होता है उसको लाखों में शेयर कर देते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ को यदि एक के पास भी शेयर कर देंगे तो आपकी आत्मा भी संतुष्ट होगी, और जो देखेगा दूसरा बंदा उसकी भी आत्मा संतुष्ट होगी। इसलिए अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए, हमारे सनातन धर्म से नफरत नहीं, स्नेह कीजिए। इसी के अंदर वो चीज़ें छुपी हैं, पूरा साइंस छुपा है, हर इलाज, हर बीमारी का, समस्या का समाधान सनातन धर्म में। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। जय हिंद, नमस्कार।